हेलो। हेलो। हाँ, लुलु लुलु जाना। हेलो लुलु जाना, क्या बोला आपने? हेलो जाना। आय बड़ा स्वीट साउंड करता है यार। आपका भी बहुत स्वीट साउंड करता नहीं, मेरा छपरी साउंड करता है ना? है। नहीं स्वीट करता है, इसलिए तो बोलता हूँ ना आपको बेबे। हाँ बोलो, आप क्या बोल रहे थे? आपके दो मिस कॉल थे, फिर मैं नीचे था घर वालों के साथ, तो उठा नहीं पाया। सॉरी। कोई बात नहीं। अरे तो सुबह उठा दिया कि मेरे को अभी भी नींद आ रही है, पता अच्छा, है। हाँ यार, कल का दिन कितना अच्छा था ना। बहुत अच्छा फाइनली था। हम दोनों एक ही हो गए। बोलो, कैसे, क्या कॉल कर लिया? याद आ रही है हमारी? आपकी तो याद मुझे हर वक्त आती रहती है। अच्छा, पहले से या अभी से, जब से प्रपोज किया है तुमने मुझे? मैंने नहीं किया था कि तुमने किया था? ओके। ठीक है, याद रखना। एक मान भी गया तुम। तुम्हारे को कोई और लड़की होती ना, लड़ जाती कि बेटा तुमने किया, मैंने नहीं किया। आपने नहीं किया था, मैंने नहीं किया। अच्छा ठीक है, चलो बोलो। मुझे क्या हुआ, कुछ 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 शेयर करना था आपसे। छुपा रखा है क्या मेरे से? अच्छा, नहीं, मतलब कुछ ऐसा तो नहीं है कि, बट है कुछ। क्यों, तो कल मिले थे तभी बता देना था ना, फिर क्या था? तो तभी मुझे कुछ सूझा नहीं, मैं ब्लैंक हो गई थी पूरी तरह से। कोई बात नहीं, अभी बताओ। बोलो ना। अच्छा, कुछ सीरियस है मेरे अलावा किसी और के साथ हो तुम? अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। फिर ठीक है, फिर बोलो। रहने दो, आप बताओ क्या कर रहे हो आप। अरे अब बता दो। देखो, मैंने ना नखरे नहीं करने तुमने लड़कियों वाले, ठीक है? लड़कियों मानता हूँ, लेकिन मेरे सामने नहीं चलेगा ये। अच्छे से ढंग से चुपचाप से बता दो क्या बता रहे थे, बस बात खत्म। नखरे क्यों, आप मेरे नखरे झेलने नहीं वाले क्या? झेलो, तुम क्या चाहते हो मेरे से? तुम क्या आप चाहते हो मैं मेरे तुम्हारे? नखरे वाह, यही हाँ ये करने चाहता चाहते था मैं। क्या यार, तुमने भी, कोई बात नहीं, ठीक है, झेल लेंगे हम। क्यों, आप चिल्ले नहीं वाले थे क्या मेरे नखरे? मना तो मैंने वैसे भी नहीं किया, क्यों टेंशन ले रहा? बोलो। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मैं तो बैठा हूँ एक जगह पे, छत पे आया था उससे बात करने के लिए। अच्छा, आप ही छत पे आने लगे क्या? क्या करूं, संगत का असर। बहुत जल्दी हो गया आपका संगत का सर। बताओ ना, वहां गए? नहीं कह रही थी, क्या खाना खा लिया आपने? खाना वाना पीना फूना सब हो गया मेरा। चलो अब बताओ। बता आप दो, इतना क्या डर है, किस चीज का डर है? मारूंगा फारूंगा नहीं, टेंशन मत लो। कॉल फोन के बाहर हाथ नहीं निकलेगा मेरा। बोलो। एक्चुअली मुझे कहना था कि आई लव यू। वो तो है, बट बट आई आऊं क्या? हम बोल दो बोल दो ना, मुहूर्त निकालवाऊं। पता है, जब आप मुझे कैफे पे मिले थे उस दिन हम लोग, हाँ, कल की ही तो बात है, हाँ कल की बात भूलता नहीं हूँ। तो आपने कहा था कि आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे थे, मतलब हाँ, मैं तुम्हें पहले से फॉलो करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ स्टार्टिंग से ही। मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं बस तुम्हें देखने के लिए आया करता था अक्सर तुम्हारे घर के आसपास।
तुम्हारे ट्यूशंस पे, तुम्हारे कॉलेज पे, जहाँ भी तुम जाते थे उधर मैं तुमसे बस ये कहने आता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बट कभी कह नहीं पाया। और बाय हाँ लक हम उस दिन बर्थडे पार्टी में मिले। बाय लक नहीं, मुझे पता ही था बाय द वे, बट फिर भी। हाँ तो ये कह रही थी कि आप ही जो मुझे पहले से पसंद करते थे, मैं भी करती थी आपको पहले से पसंद। क्या मतलब? क्या मतलब? क्या हुआ? हेलो, क्या मतलब बोल रहा हूँ? क्या मतलब? क्या इस चीज का? हेलो पहले से हेलो, पसंद करती थी। आवाज आ रही है हमको मेरी? आ रही है हाँ, तो मेरी क्या नहीं आ रही। मतलब है इस चीज का? मतलब ये है कि आप ही मुझे देखने नहीं आते थे, मैं भी आपको देखती थी। एक सेकेंड, मतलब तुम मुझे पहले से जानते हो? तो हाँ तुमने मुझसे ये पहले क्यों नहीं कहा? तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा ये? बताओ ना। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। तो तुमने पहले क्यों नहीं कहा मुझसे ये? जब मैं तुमसे अपने दिल की बात किया कर रहा था, तब भी तो आप ये बात कह सकते थे ना मुझसे। आपने तो तब ऐसा जताया जैसे आप मुझे अभी अभी जानने लगे हो, अभी अभी चैटिंग के थ्रू, और जब मिले थे बहुत देर में, तब से आप मुझे लाइक अच्छे, मतलब मैं आपको लाइक पसंद आने लगा हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ। कहना तो चाहती थी बट डरती थी कि पता नहीं आप क्या सोचोगे। क्या सोचूंगा आगे? तुम मुझे लाइक करते हो स्टार्टिंग से, तो बता देना चाहिए था ना। मैं फालतू में इतनी मशक्कतें क्यों झेलता था, नखरे क्यों झेलता था? सीधा प्रपोज करता, तुम भी हाँ कह देते, मेरा काम इजी हो जाता है ना। इतना टाइम नहीं लगाता ना फिर। अब तक के हमारे रिश्ते को कितना टाइम हो चुका होता, एक दो महीने तो हो गया होते। बता देना था यार। हिम्मत नहीं होती थी आपसे कुछ भी बोलने की। मतलब मेरे दोस्त जो मुझसे कहते थे जब भी मैं तुम्हें देखने आता था, कि मैं तो गाड़ी आगे लेके निकल जाता था आपके घर से, लेकिन आप तब मुझे नहीं देखते थे, मैं जाने के बाद मुझे देखते थे ना, मतलब थोड़ा आगे निकल जाने के बाद, हाँ ताकि आपको ये ना लगे कि आप भी मुझे देख रहे हो, मतलब मेरे को ये ना लगे। राइट, ये बात मेरे दोस्त मुझसे कहते थे कि भाई उसने पलट के देखा, मेरे दादा सारे झूठ मत बोल, वो क्यों मुझे देखेगी, वो कितनी खूबसूरत है, कितनी क्यूट है, कितनी सही है, उसको मेरे जैसे हजार मिल जाएंगे। इतने नहीं भाई, ट्रस्ट मी। और आज मेरे को ये बात पता चल रही है कि तुम मुझे ही देखते थे, मतलब ये 100% सच है। हाँ वाओ, यस, इतनी खुशी, हाय हाय हाय। भाई मैं आपसे एक बात कहूँ, मैं भी आपसे एक बात छुपाई है, मतलब छुपाई नहीं है, बस बताने की हिम्मत नहीं हुई। क्या? अभी अभी नहीं, टाइम आने के बाद बताएंगे क्या बात थी। तो ठीक है, बताओ ना, अभी सुनकर क्या कर लोगे जाने में? ना बता दो ना प्लीज। ना ना, मन नहीं करेगा ना, समझो ना। ठीक है, मैं अभी मैं नहीं बता सकता यार, मतलब वो थोड़ा सीरियस मैटर है। हाँ, क्या बहुत ज्यादा सीरियस है, हमारे रिश्ते से भी ज्यादा सीरियस। ऐसा क्या है? मैं आपके अलावा किसी और लड़की से भी प्यार करता हूँ, जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ, और मैं उससे शादी करने वाला हूँ, बस मैंने तो आपको ऐसे टाइम पास के लिए पटा लिया। क्या मजाक कर रहा हूँ, यार, प्लीज ऐसा मजाक मत किया करो यार। आंसू निकल गए क्या? अबे नहीं इतनी स्पीड में बोला मैंने, तुम तो रो दिए। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद, ओके? क्योंकि आप अभी मजाक बताने की मजा नहीं है उसका, मतलब आपको खुद पता चल जाएगा ना धीरे धीरे। क्यों टेंशन ले रहे हो यार? ठीक अच्छा सुनो ना, है। आप हमेशा मेरे रहना, ठीक है?
ओके मेरे लिए आप बस एक क्रश की तरह थे, और आज जब आप मेरे हो चुके हो तो भी आप मेरे लिए मेरे क्रश की तरह हो। पूछू क्यों? क्यों? लोग कहते हैं क्रश तब तक की होती है जब तक की बात नहीं होती उनकी, लेकिन मेरे लिए तो आप अभी भी हो, ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे लिए रोज एक नई चीज होती है ना। सो इसलिए पुरानी चीजें तो होती हैं, लेकिन रोज कुछ ना कुछ आपसे बात करके एक अलग सा न्यू सा एहसास होता है। वो एहसास ये याद दिलाता है कि नहीं यार, तू जो इसे समझता था वही अगर जिंदगी भर समझता रहेगा तो सब कुछ हमेशा नया नया लगेगा। क्योंकि आजकल के रिश्ते में होता ही वैसा है, 1-2 साल होते नहीं है, 6-7 महीने होते नहीं है, रिश्ते पुराने से होने लग जाते हैं और फिर उन दोनों में मतभेद, झगड़े, लड़ाई एंड ऑल, और फिर रिश्ता खत्म। मैं यही नहीं होने देना चाहता, तो इसलिए हमेशा कुछ नई चीज बनाए रखनी चाहिए। सो हर वक्त तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं ये तो सोच सकता हूँ ना कि आप मेरे क्रश हो। जब भी मैं कभी आप पे गुस्सा करूंगा और ये बात याद करूंगा कि यार मैं कितने सालों से बस आपको देखने के लिए आप पे आया हूँ, आपके घर के सामने से, चाहे मुझे आपके घर से 5 किलोमीटर उल्टी साइड क्यों ना जाना हो, फिर भी मैं आपके घर से घूम के जाता था पागलों की तरह। और देखो आज आप मेरे हो ना? वो कहता है ना, जिस चीज को शिद्दत से चाहोगे सारी कायनात तुम्हें उसे मिला देगी। बस मेरे साथ वही हो रहा मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। है। 1 सेकंड, तुम ना झूठ मत बोलो ज्यादा, ये बात समझ तुम्हें, ये मैंने बोला है तुम्हें, ठीक है? तो तुम ये झूठ रिपीट मत मारो, ठीक है? पहली चीज तुम्हें मैं बता दूं, तुम कोई मेरे को इतना लाइक नहीं करते जितना मैं करता हूँ। मैं तुमको आज भी लिख के दे सकता हूँ बॉन्ड पेपर पे 100 रुपए, 1,000 रुपए, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, कितने भी जाओ तुम, ठीक है? कि भाई मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ, हमारी बात समझ। और इस चीज का घमंड जल्दी तुम्हारे सिर पर चढ़ जाएगा और तुम मुझे बाकी लड़कियों की तरह झगड़े करने लग जाओगे, देख लेना। ये भी हो गई मेरे साथ कभी ना कभी, तो ऐसा नहीं है, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं चाहता हूँ थोड़ी मौत होती रहे लड़ाई झगड़े, मतलब वो बना रहता है ना रिश्ते में, फिर एकदम खट्टा मीठा बन, है ना? लड़ाई झगड़े तो होनी चाहिए रिश्ते में। अरे नहीं होने चाहिए यार, बोर हो जाता है इंसान पर। मैं बोल रहा हूँ तुम हाँ में हाँ मिलाओगे कमाल है, चिट क्या? भी आपकी और पट भी आपकी। क्या करे आप, तुम भी मेरे और तुम हो ही मेरे। यही तो बात होती है, क्या करें, मेहनत करी है अब हमने आपको पाने के लिए, अपनाने के लिए, अब पाने के लिए मेहनत करी करनी पड़ेगी शादी के लिए। वो असली मेहनत है जिंदगी की, कुछ बन जाएंगे आ जाएंगे आपके पास, आपका हाथ मांगने। नहीं मैं आपको सच प्रपोज नहीं कर रहा हूँ शादी के लिए, मैं आई मीन टू से कि मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप इस बात को सीरियस मत लेना, ठीक है? बिल्कुल भी सीरियस, वो तो मैं फ्लो फ्लो में बोल देता हूँ यार, समझ रहे हो ना? मतलब मेरा ऐसा कुछ है नहीं। हेलो, सुन रहे हो? मैं सुन रही हाँ, ठीक है, इसको सीरियस मत लेना, ओके? सारे सरप्राइज अभी खोल दूंगा, बोलो। हूँ। नहीं लो सीरियस। नहीं मत लो सीरियस, मेरे को सीरियस लो ना, बातें मत लो, ठीक है? ओके हाँ आई लव यू, आई लव यू टू। और बताओ। और क्या बताऊं? जो आप चाहें वो बता सकते हो। आप सच में मजाक कर रहे थे ना? सच में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना आपकी? हे भगवान, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, सच में है मेरी गर्लफ्रेंड। सच में है क्या? हाँ तुम ही तो मैं तुम लेकिन मजाक कर रहे थे ना सच में। हो। अरे हाँ बाबा, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था यार डराने के लिए। और चलो आपके दिल की बात तो पता चल गई, ठीक है? अब मेरे भी भाव चढ़ेंगे कि चलो मुझे भी ये पसंद करती थी, है ना? और बताओ मेरी जान। पता है आज मेरी फ्रेंड आई थी तो मैंने आपको उसकी फोटो दिखाई थी। मेरे को उसकी या उसको मेरी? उसको आपकी फोटो दिखाई हाँ थी। तो पहले उल्टा बोला था आपने। वही तो बोलो, कौन सी लड़की की फोटो दिखाई इसने मेरे को? हेलो, कहाँ कहाँ भाग गए? हाँ हेलो। क्या बोले फिर आगे? तो मैंने उसको आपकी फोटो दिखाई थी तो फिर मैंने बताया कि जो लड़का है, लड़का है मुझे पहले से पसंद करता था और
मैं भी इसे पसंद करती थी, हम लोग बर्थडे पे मिले थे एंड ऑल, सारी चीजें बताई उसको। तो उसने कहा कि लड़का बहुत ही क्यूट है, बहुत हैंडसम है, तुझे कैसे मिल गया ये? मतलब मेरे को उसने ऐसा बोला, आपको देख के बोला था उसने। सिंगल है वो? यस। ठीक है फिर, अच्छी बात है। तो पता है मुझे थोड़ी सी जलन हुई थी उससे किस चीज से? कि वो आपकी तारीफ कर रही थी। तो मैंने भी तो अभी पूछा ना, सिंगल है वो, तो तुमने मेरे पे डाउट नहीं किया, मेरे को पे इतना ट्रस्ट करते हो तुम? मतलब बस अपने दोस्त के लिए पूछ रहा था। वो क्या होगा ना, फिर तुम्हारी दोस्त की गर्लफ्रेंड बन जाएगी, तो तुम्हें घर से बाहर निकलने में भी आसान हो जाएगा ना मेरे को मिलने के लिए। अभी से प्लानिंग करके रखनी होती है अच्छी, इसकी समझ रहे हो? और बताओ और उससे पता है एक चीज और बोली थी, क्या। उसने कहा था कि कभी तेरा और उसका ब्रेकअप हो जाए ना तो उसको मेरा नंबर दे देना। क्यों? उसको आप बहुत पसंद है। तो देखकर ही सिर्फ उसको सीधा सीधा बोलना, बेटा एक बात याद रख ले, मेरी बंदी के फालतू की बातें दिमाग में डालने की नहीं, ठीक है? ऐसा ना हो कि उसका दिमाग भटक जाए, वो मेरे पे डाउट करने लग जाए, मैं इतना अच्छा इंसान उसको मिला हूँ, उसकी कदर छोड़ के वो डाउट में ना चली जाए, ठीक है? मतलब आप आ रही बात समझ? ठीक है। अच्छा सुनो ना, खाना वाना खा लिया हमने? हाँ खा लिया। ठीक चलो मैं खा के आता हूँ, मुझे भूख लगी है अभी, ठीक है। है? आई लव यू टू। अच्छा पप्पी में लाइक कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं, बाद में बात करता।